हेलो वेलकम, मैं स्वाति जैन और आप देख रहे हैं न्यूज ब्रॉडकास्ट एंटरटेनमेंट। फिल्म जवान को लेकर आज हम बात करेंगे, जिसका ट्रेलर मेकर्स ने रिलीज कर दिया है। साथ ही ट्रेलर से कई तरह की स्टोरीज भी सामने आई हैं। जो स्टोरी हमने देखी है, जो हमने सुनी है, आज हम आपको वो बताएंगे कि जवान की स्टोरी क्या हो सकती है और किस तरह की भूमिका में हर एक्टर नजर आएगा। जवान में शाहरुख खान का डबल रोल है, एक वो है जो विलन है और एक है हीरो। SRK का पट्टी बंधा हुआ टकला वाला किरदार विलन है और पुलिसमैन वाला किरदार हीरो है। दोनों के बीच एक रिश्ता है, पिता और बेटे का रिश्ता, लेकिन दोनों को ही ये बात मालूम नहीं है कि वो बाप बेटे हैं। सिर्फ इतना मालूम है कि वो एक दूसरे की जान लेना चाहते हैं या पकड़ना चाहते हैं। पट्टी वाला शाहरुख खान पिता है और पुलिस वाला बेटा। जवान के रिव्यू में ऐसा भी देखा गया है कि कुछ लोग जो सेना के लोग हैं वो एक जवान को श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान के पिता वाला शाहरुख खान जो है वो किरदार उनको श्रद्धांजलि दे रहे हैं, जिसमें शाहरुख खान को मरा हुआ साबित किया जाता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जिसके पीछे शाहरुख खान एक औरतों की फौज तैयार करता है और उनके साथ मिलकर क्राइम करता है। ट्रेलर देखने के बाद फैंस दीपिका पादुकोण के किरदार के बारे में भी चर्चा कर रहे हैं। कई ट्विटर यूजर्स का कहना है कि दीपिका पादुकोण फिल्म में शाहरुख की माँ के रोल में नजर आने वाली है। इसके साथ ही लोगों ने फिल्म की स्टोरी लाइन भी तैयार कर दी। वैसे दीपिका पादुकोण फिल्म में छोटे से रोल में स्पेशल अपीयरेंस करती नजर आएंगी। ट्रेलर में वो लाल साड़ी पहने दिख रही हैं। तेज बारिश के बीच वो किसी को अखाड़े में पटकनी देते दिखी। SRK का विलन वाला किरदार पहले आर्मी मैन था, उसने कुछ ऐसे मिशन किए जिसकी वजह से वो देश का दुश्मन साबित हो गया। ये क्रिमिनल को पकड़ने के लिए पुलिस अफसर का रोल कर रहे SRK को जिम्मेदारी दी जाती है। नयनतारा पुलिसमैन की लवर हैं और दीपिका पादुकोण विलन की लवर थी जो किसी हादसे में मर गई थी। फिल्म के ट्रेलर में एक जवान जो है मुंह पे पट्टी बांधे हुए है, वो शाहरुख खान का किरदार है। ऐसा बताया गया है कि एक हादसे में शाहरुख खान का चेहरा जल जाता है, इसलिए वो पट्टी बांधे हुए है पूरे ट्रेलर में। साथ ही ये था फिल्म का कॉन्सेप्ट। अब क्या है पूरी स्टोरी लाइन, ये तो 7 सितंबर को तभी पता चलेगा जब फिल्म रिलीज होगी बड़े पर्दे पर। ऐसी ही स्टोरीज के लिए हमारा चैनल लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।